सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम वी ब्लॉग्स। तो आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह कर क्या रहे गाड़ी के साथ। तो जब से बाइक आई हुई है ना, मैं उसको भूल सा गया हूँ, अपनी बसंती को। मैं ऐसे छोड़ा हुआ है इसको, इस पर ना कवर करता हूँ ना कुछ। जब से अपनी बाइक आई है इसको मैं एक किस्म से भूल ही गया हूँ। अभी कल मुझे घर से गालियाँ पड़ रही थी कि जब से तेरी बाइक आ चुकी है तो इसको भूल चुका है। और ये रियलिटी है, मैं सच में इसको भूल चुका हूँ। और आज मैं सोच रहा हूँ इसको धो देता हूँ अच्छे से और इसको कवर के साथ ढक देता हूँ और लगा देता हूँ साइड पे, क्योंकि अब जो भी सफर होगा वो तो सफर सारा अपना बाइक पे ही होगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसको धो लेते हैं और थोड़ी सी झलक आपको मैं दिखा देता हूँ अपनी बाइक की। ये थोड़ी बाइक लगी हुई है और आज मैं निकल रहा हूँ बेसिकली जम्मू। जम्मू जाने का कारण कुछ ऐसा है कि मेरी नंबर प्लेट आ चुकी है बाइक की, तो मैं आज नंबर प्लेट लगवाने जा रहा हूँ। तो फाइनली जाके नंबर प्लेट लग जाएगी और फिर मैं कहीं टूर पर निकल सकता हूँ। यार एक काम करते हैं यार, पहले अपनी बसंती को धो लेते हैं, देन उसके बाद अपनी बाइक के साथ कुछ करते हैं, उसको भी साफ करते हैं। चले पहले धो ले इसको, अपना काम निकालते। चलिए मोटू अपना जहाज लेके जाएगा, मैं अपना जहाज लेके जाऊंगा। ओके About to see the world in action, what we can be, life. So finally निकलते हैं अभी। तो अपने मोटू सेट आ चुके हैं और हम आज सुबह से बिजी थे। बिजी इस कारण थे क्योंकि हमने क्या करा, सुबह गाड़ी धोई, देन जब गाड़ी धो रहा था तो पापा बीच में आ गए, तो बोलते कि मेरी बाइक भी धो दो। तो हमने सोचा कि अगर पापा की बाइक धोनी है तो अपनी इस गाड़ी को भी धो लेते हैं। तो सुबह से हम लगे हैं तीन गाड़ियों को धोने में और दो से ढाई घंटे लग गए थे काम करते करते। तो अभी टाइम क्या हो रहा है, 12:39, मतलब कि 12:39। I'm not really asking. तो बाकी आज जाना है नंबर प्लेट लगवाने, तो साथ में एक काम और है। आज हम सोच रहे हैं कि इंजन गार्ड भी डलवा लेते हैं साथ में ही। एक हमने इंस्टाग्राम पे देखा था, अच्छा लगा था, लेकिन थोड़ा सा महंगा था, शिपिंग चार्जेस अलग थी, उसके बाद आने में टाइम लगता उसको 15 से 20 दिन। तो इसलिए हमने सोचा कि उसको रहने देते हैं, जम्मू से डलवा लेते हैं, क्योंकि हमने मोटू सेट ने भी जम्मू से डलवाया हुआ है याना का। तो थोड़ा दूर ट्रैवल करने के बाद आप वेदर देख सकते हो, वेदर दोबारा चेंज हो गया है। और बीच में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि वेदर चेंज हो रहा है, दोबारा धूप आ रही है, दोबारा ऐसा मौसम हो जा रहा है, दोबारा धूप हो रही है। तो बाकी हम पहुंच चुके हैं कोट बलबाल। थोड़ा ही जानीपुर का सफ़र थोड़ा ही रह चुका है, तो उसके बाद हम पहुंच जाएंगे जानीपुर और जैसे ही नंबर प्लेट लगेगी देन ऑफिशियली मैं ट्रिप लगाने के लिए रेडी हो जाऊंगा। और ट्रिप कहाँ की बनती है, कैसी बनती है, वो उस पर डिस्कशन बन ही रहा है, डिस्कशन हो ही रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है देन आपको पता चल जाएगा कि वेयर वी आर गोइंग, लेकिन जल्दी बनेगा, माइट भी इसी मंथ बन सकता है। बाकी बात करें इस हिमालयन के बारे में, कौन कहता यार भागती नहीं है, मैंने बहुत सुना है, बड़े लोगों से सुना है यार कि ये भागती नहीं है। अभी भी 60-80 पे मैं कंटिन्यूस चलाया जा रहा हूँ। और हमारे पिताजी ने अभी हिमालयन को ट्राई नहीं करा है, जस्ट घर पे ही चलाया था उन्होंने। आज हम एक स्पेशल बंदे से मिलने जा रहे हैं काफी देर के बाद, और काफी देर के बाद वो वीडियोस में आएगा, तो आखिरकार हम उसको मिलने जा रहे हैं उसके घर ही। तो यहाँ पर छोटी छोटी बारिश होना शुरू हो चुकी है और जिसका हमें अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि बारिश हो सकती है, नॉर्मल सी बारिश है पर होना शुरू हो गई है, लेकिन हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। तो फाइनली अभी काम हो चुका है, नंबर प्लेट्स लग चुके हैं, बस आरसी का काम बचा हुआ है। आरसी लेने जा रहा हूँ, ऊपर ऑफिस में जा रहा हूँ, क्योंकि भैया ने बोला कि 10 मिनट वेट करो, हम आरसी आपको निकाल के देते हैं। तो अभी मिल जाएगी आरसी, फुली काम हो चुका है, अपने छोटे भाई ने काम करवाया सबसे पहले, ठीक है। डन विद द नंबर प्लेट्स और आरसी भी मिल चुकी है, तो देखो कितनी खूबसूरत लग रही है यार। भैया आपका 50 लाख पेंटिंग में रहा, ठीक है, जैसे छप जाएगा ना वो प्रिंट हो जाएगा, हजार वाले नोट, फिर उसके बाद आपको मिल जाएंगे, चलेंगे ना आपको, चलो ठीक है, थैंक यू भैया। हाँ ये प्रूफ है, हाँ विस्की मेड मी डू इट, ठीक है, आइए बस 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 ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच।
तो फाइनली यहाँ से काम हो चुका है ख़त्म और अभी हमें निकलने का है घूमर, जो मैं पहले भूल गया था कि मुझे जाना कहाँ पे है। तो फाइनली अभी जाके याद आया कि मुझे घूमर जाना है, और घूमर जाके मुझे क्या डलवाना है, क्या डलवाना है, इंजन गार्ड डलवाना जाके। तो अभी मैं फाइनली दुकान पे पहुंच चुका हूँ, टाइम हो गया 2:26, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पे। भाई बड़ी खुशी आ रही है, क्या चक्कर है, इसको फिट करना है आराम से, ठीक है, एकदम मस्त फिटिंग आनी चाहिए। फाइनली यहाँ पे पहुँचे और जो गर्मी है ना यार, पसीने आप देख सकते हो कि कैसे बह रहे हैं, और भैया को बोल दिया कि आराम से एकदम मस्त वाली फिटिंग कर देना, तो जैसे फिटिंग होती है उसके बाद निकलना। Come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we... तो फाइनली जाके काम ख़त्म हुआ है अभी, तो ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं, 4:56 हो चुका है, और जब मैं आया था तब 2:30 बज रहे थे, तो 2.5 घंटे के बाद आखिरकार काम ख़त्म हुआ है, क्योंकि 2 बाइक का काम था, अपनी बाइक का काम जल्दी हो गया था, पर मोटू सेठ की बाइक का काम थोड़ा लेट हुआ, टाइम लग गया उसमें। तो बाकी जम्मू का वही सीन है यार, ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, थोड़ा बाहर निकलना चाहता हूँ मैं यहाँ ट्रैफिक ना हो। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ चुका है, अपना थोड़ा सा प्लान कैंसिल हो गया है, क्योंकि अपने मोटू सेठ को फ़ोन आया था अपने फ्रेंड का, जिसको मैं आज मिलने जा रहा था, जिसका सुबह से सस्पेंस बना हुआ था कि भाई उसको मिलने जा रहा हूँ, उसके घर जा रहा हूँ, और जिसको बोला हुआ था कि भाई जूस ले आना, ये ले आना, वो ले आना। तो आखिरकार उसके घर जाने का प्लान हो चुका है कैंसिल, क्योंकि उसका फ़ोन आ चुका था, वो अपनी दीदी को लेके सिटी आ रहा है और उसको टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए वहाँ का प्लान हो चुका है, ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुका है। अभी हम निकलेंगे घर की तरफ। इस रोड में तभी ही नहीं आता मैं, क्योंकि आप हालत देख सकते हो कि कितनी बुरी है, और ऊपर से कल को बारिश हुई है और हालत ख़राब हो गई है, और GoPro की बैटरी भी अभी ख़त्म होने वाली है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी थोड़ा सा मेन रोड पे आ जाएं। अच्छा, रॉन्ग साइड को जाते हुए अगर आगे ट्रैफिक पुलिस हुई तो मज़े ही अलग होंगे, और इस लड़के के रिएक्शन तो प्राइसलेस हैं यार। लड़का घूर घूर के, घूम घूम के, मुंडी पूरी घुमा के पीछे देख रहा है। So we got a short break, तो हमने नींबू पुदीना पानी पिया, साथ में ही एक एक बर्गर खाया, बर्गर हो गया वो अंग्रेजी वर्ड, मतलब कि इंग्लिश वर्ड हो गया, तो जो हमारे लोकल है ना, लोकल में उसको बोलते हैं कुलचा, तो हमने खाया कुलचा जम्मू वाला, ना कि अमृतसर वाला। तो बात करें आज की राइड के बारे में, राइड आज हमें बहुत महंगी पड़ी है, क्योंकि जम्मू में गया हुआ था, सिटी गया हुआ जैसे आपको पता ही है, और मैंने आज क्या डलवाया मैं आपको वो दिखा देता हूँ मैंने क्या डलवाया। तो मैंने डलवाया आज इंजन गार्ड, तो ये इंजन गार्ड डलवाया मैंने आज, लुक वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे अपने मोटू सेठ बोल रहे थे तब, भाई मैं यहाँ पे फोकस करो ना, आगे पीछे कहाँ फोकस कर रहे हैं आप। हाँ, तो जैसे अपने मोटू सेठ बोल रहे थे कि काफ़ी सही लग रहा है, काफ़ी लुक में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बाकी फटका जो मुझे पड़ा है, वो मुझे 4000 का फटका पड़ा है एक सिटी जाने का, तो 3-4 दिन ही हुए बाइक लाए हुए, और तब भी फटका पड़ा था, और जो फटका आज मुझे पड़ा ना 4000 का, वो काफ़ी ज़्यादा पड़ चुका है। अभी कुछ और भी जो टचिंग है इसमें वो करवानी है, थोड़ी और एक्सेसरीज भी डलवानी है, वो किसी और दिन डलवाएंगे जब थोड़ा सा पैसा आ जाएगा, लेकिन अभी टोटली खाली हो चुका हूँ, क्योंकि ये भी मैं घर से पैसे लेके गया हुआ था एक इसको इंजन गार्ड डलवाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे इंजन गार्ड की, तो इसलिए मैंने इंजन गार्ड डलवा दिया। तो बाकी आपको आज की राइड कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि मैं अभी जस्ट अभी घर पहुँचा हूँ,
चेंज भी नहीं किया, सीधा आके मैं ब्लॉग को एंड करने पे आ गया, क्योंकि मुझे आपको बताना था, क्योंकि मेरा जो GoPro की बैटरी थी फुली ड्राई हो चुकी थी, क्योंकि ख़त्म हो चुकी थी। तो इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मामू के चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय 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 बाय, 15 टेक के बाद बाय। इसी के साथ एक काम जो हर बार करना करते रहना, अपने माता पिता का ध्यान रखना। गुड बाय, मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में।